ये लगातार इस तरह की घटनाएं आना मोहन यादव को अस्थिर करने का षड्यंत्र चला जा रहा है बीजेपी के अंदर। ये व्यक्ति है जो इसमें संलग्न पाया गया, ये उप मुख्यमंत्री के करीबी इसकी खुद की प्रोफाइल पे 500 वीडियो और 500 फोटोग्राफ्स है। लगातार युवा मोर्चा का नेता है। देश के प्रधानमंत्री जी और देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल है, क्या अब उप मुख्यमंत्री जी का आप इस्तीफा लोगे? आपने ही कहा, आप ही नहीं कहा, भाषण है 3 दिन पहले का प्रधानमंत्री जी। क्या आप मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, देवड़ा जी का इस्तीफा लोगे? क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आखिर यह नशा किस घर को सुख देता है? कौन लोग हैं इसमें? कोई पार्टी नहीं हो सकती, कोई विचार नहीं हो सकता, कोई दलगत बात नहीं हो सकती, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं हो सकता है। आखिर यह मध्य प्रदेश का बच्चा जिसके पास रोजगार नहीं है, घर में यातना है, परेशानियां हैं। मैं उस दिन भी जब मैंने पीसी ली थी तो बोली थी यह बात कि दिन भर रील देखता है, नशा करता और क्राइम करता है। आखिर कैसा मध्य प्रदेश बन रहा है? ये सुधीर गुप्ता, उनके सांसद है, उनके साथ इनके हर तरह के फोटो, ये तो मैंने बानगी दी है, उनकी प्रोफाइल पे चले जाओ 500 मिलेगी, और थोड़ी देर में ही चले जाना, नहीं तो अभी सब डिलीट हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद उसकी प्रोफाइल पर से सारा काम डिलीट होने वाला है। तो आखिर कैसा प्रदेश बन रहा है हमारा? बलात्कार में हम नंबर वन, नशे के कारोबार में हम नंबर वन। नशे के कारोबार को सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोगों का संरक्षण में मध्य प्रदेश नंबर वन। मैं बार बार कहता हूं यह सरकार मोहन यादव की है ही नहीं, यह सरकार जनता की भी नहीं है, बीजेपी की भी नहीं है, यह सरकार माफियाओं की है। मैं ये बार 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 क्यों दोहराता हूं, हर क्षेत्र में माफिया है, नशे के कारोबार के माफिया ये आज उजागर हुए हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।